will you अरे what questions you are asking me? अरे what questions you are asking me? अरे what questions you are asking me? समीर वानखेड़े जिस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो सवाल नवाब मलिक ने पूछा है। ये निकाहनामा दिखाकर दावा है कि समीर दाऊद वानखेड़े ने पहली शादी शबाना जाहिद कुरैशी से की थी, जो 7 दिसंबर 2006 में हुई थी। दावा है कि गवाह नंबर 2 यानी अजीज खान समीर दाऊद वानखेड़े की बड़ी बहन यास्मीन दाऊद वानखेड़े का पति था और इस निकाहनामे में मेहर की रकम 33,000 रुपए तय पाई गई थी। निकाहनामे में दर्ज है कि समीर वानखेड़े मुसलमान है और उनका पूरा नाम समीर दाऊद वानखेड़े है। नवाब मलिक का दावा है कि समीर वानखेड़े दलित कोटे से सरकारी अधिकारी बने, ये फर्जीवाड़ा है। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये जो कागजात हमने डाले वो असली हैं, सरकारी ऑफिस का दस्तावेज है। उसमें गौर से देखा जाए तो टेम्पर करके 20 साल के बाद उसमें एक सर्कल लगा के स्टार बनाया गया और अलग से 20 साल के बाद जो नाम का खेल है उसके अंदर भी खेला गया। समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया और उस सर्टिफिकेट के आधार पर कंपटीशन में बैठे IRS का पद हासिल किया। नवाब मलिक पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े का ये निकाहनामा असली है, जिसकी विश्वसनीयता पर इस निकाह को करवाने वाले काजी भी अपनी मुहर लगा चुके हैं, जिनके निकाहनामे पर साइन भी है। आपने पढ़ा? हाँ, मैंने पढ़ाया है, बिल्कुल सही है। हाँ। और उस वक्त में समीर शबाना, हाँ, और इनके बाप, पूरी खानदान सब मुसलमान थे। सब मुसलमान? हाँ, अगर ये जाहिर होता कि समीर हिंदू हैं तो निकाह ही नहीं होता हमारी शरीयत में, और काजी शरीयत के खिलाफ निकाह ही नहीं पढ़ाता। जब वहाँ सब सज जाता मामला, उसके बाद काजी जाता है, 15 मिनट में निकाह पढ़ा के वो चला आता है। अच्छा। दावत खाना वगैरह दावत रहती है, खा लेता, उसके बाद चला आता जी। पूरे इस्लाम तौर तरीके से ये शादी हुई? इस्लामी तौर तरीके से शादी हुई, सब मुसलमान थे, गवाह भी मुसलमान थे, वकील भी मुसलमान थे और माँ बाप भी मुसलमान थे। नवाब मलिक के आरोप और निकाह करवाने वाले काजी ही नहीं बल्कि खुद समीर वानखेड़े का परिवार इस निकाहनामे को कबूल कर चुका है। वैसे निकाहनामे के प्रमाण पत्र से पहले नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का जन्म प्रमाण पत्र भी सार्वजनिक किया था। समीर के जन्म प्रमाण पत्र में उनके पिता का नाम दाऊद के वानखेड़े है और निकाहनामे में समीर का नाम समीर दाऊद वानखेड़े है। यानी निकाहनामे और जन्म प्रमाण पत्र दोनों में समीर के पिता का नाम दाऊद है। इस पर उनके पिता ज्ञानेश्वर वानखेड़े की प्रतिक्रिया काफी अहम हो जाती है। हमेशा कहते आया हूँ, 15 दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। मेरा नाम ज्ञानदेव कथुरुजी वानखेड़े है। मैं कितनी बार सब लोगों को बता रहा हूँ। फिर अभी नवाब मलिक ये निकाहनामा लगाकर मेरे जाति पे, मेरे धर्म पे और वो ड्रग पे क्या लेना देना, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। आरोप इसलिए लग रहे क्योंकि देखिए ये निकाहनामा है, निकाहनामा तो सही होगा। मेरे बेटी की शादी सही हुई है, डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई, निकाहनामा में हम भी थे। समीर के पिता ज्ञानेश्वर वानखेड़े का बयान काफी गोलमोल सा लगता है। उनका बयान बेहद कंफ्यूजिंग है। पहला कंफ्यूजन तो ये है कि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन बेटे समीर के जन्म प्रमाण पत्र में उनका नाम दाऊद के वानखेड़े है। दूसरा कंफ्यूजन ये है कि निकाहनामे में समीर के नाम के बीच में दाऊद है, लेकिन उनके पिता कह रहे हैं कि उनका नाम दाऊद नहीं है। तीसरा कंफ्यूजन ये है कि अगर निकाहनामा और जन्म प्रमाण पत्र सही है तो फिर समीर का धर्म हिंदू कैसे हुआ? और चौथा कंफ्यूजन ये है कि अगर समीर मुसलमान है तो दलित कैसे हुए और दलित कोटे से अधिकारी बने तो कैसे? लगता है कि इस कंफ्यूजन को समीर वानखेड़े फिलहाल कंफ्यूजन ही बने रहने देना चाहते हैं। समीर सर कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं नहीं, थैंक यू। आप पर आरोप लग रहे हैं सर, लगातार पर्सनल अटैक हो रहा है। सब झूठे हैं, पर्सनल अटैक लग रहा है सर आप पर। रिप्लाई करेंगे उसका सर। समीर वानखेड़े सीधे बात करने के लिए आप देख पा रहे हैं? बर्थ सर्टिफिकेट निकालने वाले हो कौन आप?
क्या है हक हाँ आपके पास किसी की, किसी ब्यूरोक्रेट किसी की बर्थ सर्टिफिकेट निकालने का? आप क्यों निकाल रहे हो उनकी बर्थ सर्टिफिकेट? समीर वानखेड़े का परिवार मान चुका है कि बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट तक सब असली है, लेकिन दोनों सर्टिफिकेट में जो डिटेल्स हैं वो उन्हें कबूल नहीं है। लेकिन नवाब मलिक भी जी जान से जुटे हुए हैं। देश का कानून कहता है कि कोई व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता हो, एक बार उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसे शेड्यूल कास्ट का जो भी फायदा है वो नहीं मिलता। लड़ाई ये है कि गरीब दलित का अधिकार छीना गया, और निश्चित रूप से ये हम लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे और निश्चित रूप से कानून के तहत कार्रवाई होगी। ड्रग्स केस में शाहरुख के बेटे आर्यन खान ने जितनी सुर्खियां बटोरी है उतनी ही सुर्खियां समीर वानखेड़े के धर्म का विवाद भी बटोर रहा है। ऊपर से आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर समीर वानखेड़े की ईमानदारी पर भी सवाल तो उठ ही चुके हैं। सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।